नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराग्ला, मैं मनकुमार। होटल मौर्या में इंडियन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी का 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला मुख्य रूप से डॉक्टरों के लिए किया गया है। उसमें हृदय से संबंधित सभी तरीके के जानकारी दी जाएगी प्रॉपर स्पेशलिस्ट के द्वारा, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। क्या कुछ कहा हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने, आइए देखते हैं। कमी का मैं जिक्र कर रहा था, आप अगर देखेंगे तो जहां तमिलनाडु में 49 मेडिकल कॉलेजेस हैं और केरल में 34, केरल कितना छोटा राज्य है लेकिन केरल में 34, कर्नाटका इज हैविंग मोर देन 57 मेडिकल कॉलेजेस। तो बिहार की आबादी 11 करोड़ और बिहार के अंदर 13 मेडिकल कॉलेज हैं और हाल के दिनों में जो 3-4 मेडिकल कॉलेज खुले होंगे, तो आप तो क्या कारण है कि कर्नाटक में 57, केरल में 34, तमिलनाडु में 49। और मैं जब बिहार को मैं देख रहा था तो पिछले 25-30 साल के अंदर हम लोग की सरकार आने के बाद जो 2-3 नए मेडिकल कॉलेज खुले, इसको छोड़ दीजिए, तो पिछले 25 साल में यानी 2005 के पहले बिहार में एक नया मेडिकल सरकारी कॉलेज नहीं खुला। पीएमसीएच गया, ये पीएमसीएच, उसका डीएमसीएच और भागलपुर मेडिकल कॉलेज सरकारी कॉलेज, उसके बाद एनएमसीएच प्राइवेट कॉलेज था, उसी प्रकार एसकेएमसीएच भी प्राइवेट कॉलेज था, भागलपुर का जवाहरलाल नेहरू ये जरूर सरकारी कॉलेज था जिसको सरकार ने टेक ओवर किया। तो यानी कुल मिलाकर बिहार में 2005 में जब हम लोग की सरकार बनी तो मात्र 6 मेडिकल कॉलेज बिहार में थे और उसमें से भी डीएमसीएच, पीएमसीएच और ये भागलपुर मेडिकल कॉलेज। पीएमसीएच 100 साल पुराना, पता नहीं 100 हो गया या 90 साल हो गया। डीएमसीएच भी बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है, भागलपुर भी बहुत पुराना नहीं लेकिन पुराना कॉलेज है। तो जो लोग सरकार में थे ये उनका दायित्व तो बनता था कि बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्य के अंदर हम मेडिकल कॉलेजेस खोलें। अगर कंबाइंड बिहार को भी ले लें तो केवल राजेंद्र मेडिकल कॉलेज तो 3 बिहार के, 1 आर एम, 4 मेडिकल कॉलेज केवल बिहार में थे और पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था जिसके बाद में सरकार ने टेक ओवर किया। तो आज बिहार को डॉक्टर्स की जो कमी जो फेस करनी पड़ रही है, अगर हमारे पूर्व के लोगों ने मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की होती तो आज बड़ी संख्या में बिहार के अंदर भी और मेडिकल के स्टूडेंट्स हमको मिल सकते थे। तो सीधे तौर पे ये कार्यशाला 3 और 4 अगस्त तक रहेगा और इस कार्यशाला में डॉक्टरों से को कार्डियोलॉजिस्ट संबंधित सभी जानकारी दी जाएगी जिससे वो अपने पेशेंट्स को अलग अलग तरीके से ट्रीट कर सके, ताकि हर छोटी बड़ी बीमारी से उनका इलाज कर सके। जो छोटी बड़ी जो बीमारियां आए दिन हृदय संबंधित बीमारियां होती है उसका वो समाधान कर सके। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं अमन कुमार, सनराग लाइव पटना। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू हो। नमस्कार।